दोस्तों अभी हम एक ऐसे वृक्ष के पास आ चुके हैं जो है बरगद। ये सामने आप देख सकते हैं, बरगद का वृक्ष आप देख रहे हैं, लगभग 300 से 350 साल पुराना ये वृक्ष माना जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जैसे ही हम इस फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो ये जो बरगद का झाड़ है एक गेट बनाता है, जैसे कि आप लोग सामने में देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक गेट बना रहा है। सो हे वेलकम बैक टू गाइज ऑन माई यूट्यूब चैनल अमितेश ब्लॉग। दोस्तों जैसा कि अभी हम चल रहे हैं जंगल सफारी के लिए, तो अभी हम आ चुके हैं भालूद्वार बारनवापारा अभ्यारण्य। दोस्तों यहां से लगभग 7 किलोमीटर दोस्तों के सामने आप देख सकते हैं ये चेक पोस्ट है बारनवापारा अभ्यारण्य जाने के लिए, जिसमें अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो यहां पे शुल्क की दरें कुछ इस प्रकार से हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का शुल्क 30 रुपीज़, सफारी 25, छोटी वाहन अगर लेकर जा रहे हैं तो 60 रुपीज़, और अगर आप ट्रक मास्दा ट्रैक्टर आदि में जा रहे हैं तो 150 रुपये देना होता है, और बस का किराया है 300 रुपये, जिप्सी का है 1300 रुपये, 6 सदस्य लेके जाएंगे जिसमें, और जेनान का है 1800, और 12 सदस्य लेके जाता है जो कि, और गाइड का है यहाँ पे 200 रुपये एक्स्ट्रा। गाइस यहाँ पे जो हमारे टिकट्स है वो चेक हो चुके हैं और हम भालूद्वार से अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप लोग मेरे जस्ट पीछे में देख सकते हैं चेक पोस्ट। अगर आप लोग यहां पे आना चाहते हैं तो महज 100 किलोमीटर रायपुर से और 25 किलोमीटर महासमुंद से ये पड़ने वाला काफी खूबसूरत सा प्लेस है दोस्तों, तो यहां पे आप लोग आइए। दोस्तों तो हमारे साथ है हमारे टूरिस्ट गाइड, और क्या नाम है आपका? सूरज रावते। तो हमारे साथ है सूरज रावते जी जो आज हमें जंगल सफारी पर लेकर निकले हुए हैं। मीटर तक जाएंगे सरमेर रोड पर, अच्छा वहाँ से रास्ता कटा हुआ है बेरिया से, अच्छा। वहाँ से हम लोग जंगल अंदर जाएंगे। गाइड आवाज करेगा गाइड से कोई बात भी नहीं करेगा ना। बच्चे वाला जो है ना वही ज्यादा हिंसक दायक रहता है। पक्षी विहार वाले एरिया आगे वो तालाब है पड़े हैं, वहां देखने चिड़ियों का ग्रुप है ग्रुप सामने। भालू जो रहते शहद खाने के लिए, भालू का पंजे का निशान है वो, जो शहद थे ना वहाँ पे शहद खाने के लिए चढ़े थे। जंगल मजा है, कई सारे पेड़ है जैसे साजा का है, मऊहा है, तेंदू है, आंवला का पेड़ है और चार का पेड़ है,
जैसे और कई सारे बहुत सारे पेड़ है, नेचुरल पेड़ है जिसमें कई वाले फल लगते हैं, उसमें अभी फल नहीं लगा हुआ है। जैसे गर्मियों में फल लगते हैं जैसे महुआ है, तेंदू है, चार है, ये सब होते हैं ना फल लगते हैं यहाँ। जैसे कभी जानवर भी खाते हैं इनको। और गाँव वाले यहाँ पे जानवर में क्या क्या है? जानवर में यहाँ लेपट है, भालू है, नीलगाय है, सांभर है, जंगली सुअर है, कुत्ता है, भेड़िया है, मोर है, ये सब जानवर यहाँ पाए जाते हैं। एक बार जोर से बोलना ना इसको। ज्यादा पानी को वजह से सर जो लकड़ी जो है ना सूख गई है। और क्या है जैसे बहुत कई सारे लकड़ी जो है बारिश के वजह से गिर जाते हैं, नहीं तो और ज्यादा इसमें लकड़ियों पाए जाते हैं। पक्षी विहार तालाब बोलते हैं जैसे चिड़िया। वारनवापारा जंगल के मध्य स्थित एक वॉच टावर जहां से दिखती है वारनवापारा की पूरी रेंज और यहां की खूबसूरती सनराइज और सनसेट, जो कि यहां पे आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती है। भैया थोड़ा सा पीछे हुई ना। Yeah, good, eight, eight.